वेलकम टू द सेशन। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेन सिंह, आप जुड़े हुए हैं ई लर्नम फॉर्मरली नोन एज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं ICMR GRF के क्रैश कोर्स के बारे में। चलिए तो डिस्कस करते हैं कुछ और पार्ट के लिए, जहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिए इस वीडियो के लिए। सो दिस इज़ फॉर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बात करते हैं तो देखिए, तीन डोमेन में डिवाइडेड होता है, थ्री डोमेन्स, जिसको कि हमने क्या किया था, वूस ने किया था। वूस ने ये किया था आर्किया, यूकेरिया एंड बैक्टीरिया। एक यूकेरिया डिवाइडेड हो जाता है डायनोफ्लेजेट डायटम्स, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। वेन यू सी दैट दिस आर द केसेस, जो आप लेट मी जूम इट तो थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा। ये है अर्लीस्ट सेल, जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया, यूकेरिया, ये सब चीज़ों में पाया जा रहा है। दिस इज़ मोनरा, ये मोनरा है 3-5-2 डोमेन्स, प्रोकैरियोट्स इज देयर हियर। इसके बाद जब हम फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स आया यहाँ पे, यूकैरियोट्स 2 बिलियन ईयर्स एगो, ये होके आपके डायनोफ्लैजलेट्स, डाई एटम्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, देन ये सारा डिग्रेड होके फिर ये जा गया प्लांट में, एंड सम आर द स्लाइमोड्स। इसके इधर आपके प्रोटिस्टा में गए, जैसे एपो कॉम्प्लेक्सेंस, एमीबास, फ्लैजलेट्स, सीलिएट्स। इसके साथ साथ ये आपके पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, एनिमेलिया वाले ब्रांच में गया, जहाँ पे फ्लैट वर्म्स, निमेटोडा, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेटा, मोलेस्का, आर्थस, एनिलिडा, आर्थोफोडा, इस तरीके से जुड़ते हुए ये एनिमेलिया चला गया। इसके साथ साथ स्लाइम मोड्स के साथ ये आपके माइसिटीज में चला गया, फंजाई में, ईस्ट, क्लब फंजाई, मोल्ड्स में चला गए। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन एल्गी के साथ ये डिविएट हुआ प्लांट में, प्लांटी में गया, मॉसेस बने, फिर फर्न्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म्स। दिस इज लाइक क्लासिफिकेशन, इस तरीके से पूरा का पूरा आपका हुआ था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स। पहला जो है माइक्रोबायोलॉजी में बी डिफाइंड है द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज वेरी वेरी स्मॉल। इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री से भी पूछा जाता है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी थी। एक्सपेरिमेंट बाय द रेडी एंड अदर डिसअप्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन्स। रेडीज एंड उसके अलावा स्प्लेंजियानी थे, इन लोगों ने डिसप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉट डिसअप्रूव बाय द स्प्लेंजियानी, पाश्चर, टिंडल एंड अदर्स ऑल्सो। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन्स थे डिसअप्रूव्ड बाय स्प्लेंजियानी थे, पाश्चर थे, रेडी थे, टिंडल थे, इन्होंने डिसअप्रूव किया था। इसके बाद जर्म थ्योरी that was disease came in the like Bassi, Pasteur, Coase and others. Listers provide the indirect evidences with his development of antiseptic surgeries. The important thing that is Coase postulates and molecular Coase postulates are used to prove a direct relationship. Kya tha? Direct relationship between suspected pathogens and disease. Ya direct relationship jo suspected pathogen and disease ke beech mein Coase postulates involve hue the. Coase develops the technique required to grow a bacteria on solid medium टू आइसोलेट द प्योर कल्चर पैथोजन्स। उन्होंने एक टेक्निक की सॉलिड मीडिया पे ग्रो करने के लिए एंड वहाँ से चीज़ें किया। इसके बाद वैक्सीन्स अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड रैबीज आर मेड बाय पाश्चर्स। एंथ्रेक्स और रैबीज जो थे पाश्चर ने किया था। वॉन बेरिंग एंड किटास्टो प्रिपेयर द एंटीटॉक्सिन्स फॉर द डिप्थेरिया एंड टिटनेस। डिप्थेरिया एंड टिटनेस के लिए आपके बेरिंग एंड किटास्टो ने यूज़ किए थे एंड पाश्चर ने जो किया था एंथ्रेक्स एंड रैबीज। मैकिनकॉफ डिस्कवर्ड द सम ब्लड ल्यूकोसाइट। मैकिनकॉफ जो थे वो कुछ ल्यूकोसाइट्स को डिस्कवर किए थे। पाश्चर ने जो था फर्मेंटेशन के बारे में भी बात करी थी। पाश्चर शोड दैट द फर्मेंटेशन वर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू। इन्होंने बताया था कि एनारोबिक ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होते हैं फर्मेंटेशन कहलाते हैं, कि मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा वेंचुरिक ने रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल्स को स्टडी किया। अलग
अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टडी किया, सो दीज आर द सम डिफरेंस या सम स्पेसिफिक स्टडीज आर देयर। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द ऑल्सो लाइट माइक्रोस्कोप, रिजोल्यूशन इज 0.2 माइक्रोमीटर, बहुत ही कम होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है ब्राइट फील्ड होता है, इसके अलावा फेज कंट्रास्ट, फ्लोरेसेंस, ये मैंने आपको डिस्कस किया था माइक्रोस्कोपी के एग्जांपल्स के लिए। तो दिस लाइक माइक्रोस्कोपी में अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप जिसमें बॉडी है और इस तरीके से आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, और टोटल जो होते हैं कुछ कंपेरिजन्स के ऊपर बात करेंगे है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, किसी भी माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशंस, न्यूमेरिकल अपर्चर, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल इमर्सर के साथ ये मैग्निफिकेशन अच्छा खासा बढ़ जाता है, अपर्चर बढ़ जाता है। सो दीज आर द केसेज जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 0.6 लैम्डा इनटू एन साइन थीटा, ये 0.6 के आसपास, 0.61 के आसपास होता है एक्चुअली। एंड डी इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब अगर इमेज की क्वालिटी बढ़ानी है तो डी की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी डी की वैल्यू कम करनी तो लेमडा की वैल्यू कम हो, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ज़्यादा हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी ज़्यादा हो। सो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व होने चाहिए किसी भी रिजोल्यूशंस के केसेस भी। तो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स आर देयर व्हेन यू सी, जैसे विजिबल लाइट एज अ माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड का जो प्रैक्टिकल मैग्निफिकेशन 2000x है, रिजोल्यूशन 200 नैनोमीटर है। डार्क फील्ड का भी उतना ही ऑलमोस्ट सेम है, फेज कॉन्ट्रास्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये लाइव स्पेसिमेन के लिए होते हैं। एंड डिफरेंशियल इंटरफेरेंस जो होते हैं प्रोवाइडेड ब्राइटली कलर्ड हाईली कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस, थ्री डायमेंशनल इमेजेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। सम आपके कॉन्फोकल आई जो होते हैं, थ्री डायमेंशनल इमेजेस के लिए कॉन्फोकल आई कहते हैं माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। इसके अलावा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो होते हैं, यहाँ पे स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, फ्लोरेसेंट डाई से आपके स्टेन कर दिया गया एंड टू कंबाइंड विद द फ्लोरेसेंट विद दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज एंड ऑल मार्कर से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो होते हैं इन सब का जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन पावर 2000x एंड ऑलमोस्ट जो रिजोल्यूशन होते हैं 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉन बीम जो फॉर्म्स इमेज फॉर द ऑफ द स्पेसिमेंस TEM जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है 0.5 नैनोमीटर, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन आर व्यूड अंडर द वेरी हाई मैग्निफिकेशन, मतलब 100,000x के आसपास जा रहा है, और SEM का रिजोल्यूशन TEM से ज़्यादा होता है, SEM का TEM से ज़्यादा है। ये आपके थ्री डायमेंशन जो होते हैं इमेज प्रोवाइड करते हैं कौन, आपके SEM, और टू डायमेंशनल प्रोवाइड करता है कौन, टू आपके दिस पर्टिकुलर TEM, ये जो होते हैं सिर्फ टू डायमेंशनल होते हैं, इस तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। इसके अलावा स्टेनिंग इज देयर, सिंपल स्टेन, डिफरेंशियल, एसिड फास्ट एंड ऑल। सिंपल स्टेन में जस्ट एक डाई यूज़ करते हैं और उसे स्टेन कर देते हैं, सच एज मेथाइलिन ब्लू या मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, बेसिक फ्यूचिन, सैफ्रनिन, ये सब यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंशियल स्टेन में क्या करते हैं कि हम जो होते हैं अलग अलग स्टेनिंग करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट, एंडोस्पर्म स्टेन, तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग्स। एंड एसिड फास्ट जो होते हैं आपके किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होते हैं। एंड स्पोर स्टेन जनरली एंथ्रेक्स एंड बॉटुलिनम के लिए होते हैं। एंड ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ड्रग थेरेपी के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। सो स्पेशल स्टेन्स टू ब्रिंग द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स लाइक विद द स्पोर स्टेन्स वगैरह के लिए पाए जाते हैं। सो अगर आपके बात किया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट थे स्पेशल स्टेन्स, सिंपल स्टेन्स एंड डिफरेंशियल स्टेन्स। तो स्टेनिंग इज लाइक थ्री डिफरेंट पार्ट। अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्टेनिंग जो था, हम बात करते हैं तो स्टेनिंग देखने की कोशिश करिएगा। स्टेनिंग इज लाइक सब एक हो जाएगा सिंपल, जिसमें एक डाई यूज करते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ लाइक डिफरेंशियल हो सकता है, या इसके अलावा जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं स्पेशल, ठीक है, स्पेशल हो सकते हैं। एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग इज ऑफ थ्री टाइप। पहली बात तो ये होता है ग्राम स्टेन, ये ग्राम स्टेनिंग हो सकते हैं। एंड उसके बाद ये हो सकता है आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए ग्राम स्टेनिंग जो होते हैं जनरली ड्रग थेरेपी के लिए। इसके अलावा एंथ्रेक्स एंड बॉटुलिनम के लिए स्पोर्स स्टेन जो कि एंथ्रेक्स और बॉटुलिनम काफ़ी देर तक रहते हैं। सो दीज आर द केसेस ग्राम स्टेनिंग माइक्रोस्कोपिक अपियरेंस में। देखिए ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप करते हो क्रिस्टल वायलेट, फिर ग्राम आयोडीन, फिर एल्कोहल, फिर सेफ्रनिन। जब आप पॉजिटिव के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जैसे क्रिस्टल वायलेट दिया, यहाँ पे वॉयलेट कलर आते, वो ग्राम आयोडीन और एल्कोहल की वजह से हट नहीं पाता, और आप रेड सेफ्रनिन के बाद भी वो ब्लू कलर या वॉयलेट कलर अपियर होता है, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट जनरली जो होता है ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर होता है, जहाँ पे वो
अटैच हो जाते हैं। बिकॉज दिस इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, बोथ सेल अफिक्स द डाई, ड्राई क्रिस्टल्स ट्रैप्ड इन द वॉल, बट इन दिस पर्टिकुलर ग्राम निगेटिव बिकॉज थिकनेस कम होता है, तो जैसे ही आप आयोडीन प्रोवाइड करते हो, नो आयोडीन का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता, लेकिन एल्कोहल प्रोवाइड करते ही क्या हो जाता है कि सेल वॉल पार्सली डिजॉल्व एंड लूजेज द डाई। नेगेटिव में सेल वॉल पार्सली डिजॉल्व होता है और डाई को लूज कर देता है। जैसे ही फिर सेपरन इन रेड डाई करेंगे तो आपको जो नॉर्मली नेगेटिव होता है वो रेड दिखने लगता है। सो अल्टीमेटली ग्राम स्टेनिंग के बाद अगर आप बात करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, इन द ग्राम स्टेनिंग यू विल फाइंड समथिंग, आपको कुछ चीजें मिलने वाली है ग्राम स्टेनिंग में। पहली क्या चीज मिलने वाली है कि आपको जो ब्लू कलर या वायलेट कलर मिलेगा वो किसका मिलेगा, वायलेट कलर मिलेगा ग्राम पॉजिटिव का। ग्राम पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव एंड रेड कलर यू विल गेट नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव का। ठीक है, रेड कलर आप ग्राम नेगेटिव का मिलेगा। व्हेन यू सी द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर बात करोगे, ग्लाइकोलेक्स इज देयर, ग्लाइकोलेक्स है यहाँ पे, बैक ग्लाइकोलेक्स कोटिंग क्लियर पाया जाता है बाहर की तरफ, दिस इज लाइक, देखने की कोशिश करिएगा एक एक करके देखेंगे, ये बाहर है, दिस इज सरफेस, ग्लाइकोलेक्स पाया जा रहा है, कोटिंग लेयर जो कि प्रोटेक्टिव होता है एडेसिव पाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल क्रोमोजोम और न्यूक्लियोइड इज देयर, जहाँ पे डीएनए नेकेड होता है, दिस इज पाइलस वन, ये पाइलस पाया जा रहा है, एलोंगेट होलो अपेंडेजेस एंड ट्रांसफर द डीएनए टू द अदर सेल्स एंड द सेल एडेशंस ऑल्सो, दीज आर द सम मीजोसोम्स, इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आपके नॉर्मली इनर मेम्ब्रेन की तरह काम करता है रिस्पिरेशंस के लिए। दिस इज द फ्लैजेलम, फ्लैजेलम एक स्पेसिफलाइज्ड अपेंडेजेस अटैच टू द सेल बाय द बेसल बॉडी दैट होल्ड्स द रोटेटिंग लॉन्ग रोटेटिंग फिलामेंट। इसके अलावा दीज आर द राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल, आउटर कवरिंग सेल वॉल, दीज आर द इंक्लूजन्स ग्रैन्यूल्स जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, एंड दीज आर द फिम्ब्रीज, ये आपके फिम्ब्रीज होते हैं जो हेयर लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं आपके एडेशंस में हेल्प करते हैं, फिम्ब्री फॉर द अटैचमेंट, फ्लैजेलम फॉर द मूवमेंट एंड पाइलस फॉर द reproductions. So these are the prokaryotic cells. When you see this, like अलग अलग functions आपको बताए गए थे, these plasma membrane selectively permeable is there, selectively permeable, gas vacuole for the buoyancy के लिए होते हैं, ribosome for protein and you know that, inclusion body is found for the storage के लिए पाया जाएगा, nucleoid for the DNA, periplasmic space contains the hydrolytic enzymes, cell wall gives the shape and protections, cellular slime layers resistant to the phagocytotic, slime layers होते हैं, फिम्ब्री एंड पिलाई फॉर द अटैचमेंट टू द सर्फेसिस एंड बेटिंग ऑल्सो, फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट एंड एंडोस्पोर्स फॉर द सर्वाइवल अंडर हार्श कंडीशंस। नाउ अगर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंसेस देखिए तो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स इन द पॉजिटिव इज वन, ग्राम नेगेटिव इज टू बिकॉज इस पे LPS भी पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन इन ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकॉन, टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड इज देयर, इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव लिपोपॉलीसेक्राइड, लिपोप्रोटीन एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन, दिस इज थिनर एंड इस ग्राम पॉजिटिव में थिकर पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन इन द ग्राम पॉजिटिव देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन, पीरी प्लाज्मिक स्पेस इज नैरो, पोरीन प्रोटीन इज नो मोर पेनेट्रेबल जो होते हैं आपके पा जाते हैं, ग्राम नेगेटिव इज लेस पेनेट्रेबल जो होते हैं, ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेट्स सी हियर, देखने की कोशिश करिएगा, व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस इज द ग्राम पॉजिटिव एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, लेट मी लाइक जूम इट, देखिएगा तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे आ जा रहा है, दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकॉन, थिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर इज देयर, इसके साथ जुड़ा हुआ है टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड एंड दिस इज द लाइक, ये है ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल। व्हेन यू सी दैट ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, इन द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल यू सी दिस इज लाइक मेम्ब्रेन, दिस इज लोअर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, बीच में आपके कुछ पोरीन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर देयर, इसमें LPS है, LPS पाया जाता है, लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर देखिए बहुत ही थिन पाया जा रहा है, इसीलिए इसका मेम्ब्रेन का थिकनेस कम होता है एंड ग्राम पॉजिटिव का मेम्ब्रेन का थिकनेस ज़्यादा हो जाता है। व्हेन यू से डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोट्स, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे दीज आर कोकस, दीज आर रॉड और बैसिलस वन, दिस इज कर्व्ड फॉर्म, स्पाइरलम या स्पायरोकिट्स आर देयर, अगर कोकाई है तो अलग अलग फॉर्म में होंगे, लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए कोकस है,
मैंने सर्कुलर शेप में दो कोकाई होंगे तो ये पेयर में होंगे डिप्लो कोकाई। अगर कॉफ़ी बीन शेप जैसा है तो निसे आपके नाइजीरिया फैमिली से आ गए। अगर ये चार के फॉर्म में हो गए कोकाइन पैकेट टेट्राड्स हो गए। अगर ये 16-32 इन सब में है तो सार्सिनिया फैमिली हो गया। अगर ये इस तरीके से कोकाई ऐसे थ्रेड फॉर्म में चेन में अरेंज हो गया तो इसको स्ट्रेप्टो कोकाई बोलते हैं। अगर ये सर्कुलर या क्लस्टर के फॉर्म में हो गया तो वी सी एज ए माइक्रो या स्टेफाइलो कोकाई बोलेंगे। सिमिलरली ये तो थे कोकाई के फॉर्म, डिप्लो कोकाई, नाइजेरियाई, सार्सिनिया, स्टेप्टो, माइक्रो, ये सब अलग अलग कोकाई के फैमिली हैं। रॉड सेप यानी कि बैसिलस, अगर ये 2-3 के फॉर्म में है कोको बैसिलाई है। अगर ये जो है आपके इसी तरीके से अरेंज है माइकोबैक्टीरिया में, ये आपके कुछ ग्रैन्यूल्स पाने लगे पाए जाने लगे तो इसको बोलेंगे कॉर्नी बैक्टीरिया। कुछ स्पोर्स हो गए, स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स हैं। अगर ये नॉर्मली मोल्ड लाइक फिलामेंटस दिखने लगे ये रॉड्स तो विल से इट इज अ स्ट्रेप्टोमाइसिटिस, जो कि आपके एंटीबायोटिक्स के लिए पाए जाते हैं। इसके बाद रॉड की बजाय अगर ये कर्व्ड फॉर्म में है स्पाइरिलम या स्पायरोकिट्स, ये छोटे फॉर्म है छोटे कर्व्ड है तो वाइब्रियो हो जाएंगे। कर्व्ड रॉड्स आर वाइब्रियोज। फिर ये स्पाइरिलम है स्पाइरिला है, इसके साथ स्पायरोकिट्स लार्जर हो गए तो स्पायरोकिट्स आर देयर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि यहाँ पाए जाते हैं। व्हेन यू सी द स्फीयर्स डिप्लोकोकाई स्टेप्टोकोकाई टेट्राड स्टाफाइलो सार्सिनिया अलग अलग फैमिली के हैं। इसके साथ साथ रॉड्स बैसिलस के लिए पाया जाता है, चेन ऑफ बैसिलाई, फ्लैजिलेटेड रॉड्स है, साल्मोनेला टाइफाई है, स्पोर फॉर्मर है, क्लॉस्ट्रीडियम्स, ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। स्पाइरिलस के साथ वाइब्रियोज है, इसके बाद स्पाइरिला है एंड स्पायरोकीट्स है, ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे पाई जा रही हैं। ठीक है, सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस। सम कल्चर टेक्निक्स आर ऑल्सो देयर। कल्चर टेक्निक्स में कुछ आपके आइसोलेशंस करेंगे, स्पाइसोलेशंस करते हैं, उसके बाद कल्चर मीडियम इनोकुलेट किया। आपके पास क्या होता है टू प्रिपेयर अ कल्चर मीडियम, आप पहले क्या करोगे, आपके पास एक नॉर्मली मीडिया बनाओगे। You have to prepare a media, आपके पास एक मीडिया बनाना पड़ेगा। आपके पास एक प्योर कल्चर होगा जो फ्रिज में रखा रहता है। इस मीडिया में क्या करेंगे, इस मीडिया को आप ऑटोक्लेव करेंगे, इस मीडिया को क्या करेंगे ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद या तो आप पोर प्लेट पे जाइए, या तो आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए, या तो इसको स्ट्रीक प्लेटिंग पे जाइए। पोर प्लेटिंग से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे या तो आप स्ट्रीक करेंगे या तो आप स्प्रेड करेंगे, ये स्प्रेड करेंगे या तो पोर कर दीजिए। ठीक है, लिक्विड मीडिया में पोर होता है, दिस इज लिक्विड, और अगर आपके पास सॉलिड है तो आप स्ट्रिक करेंगे या पोर करेंगे। सो दीज आर लाइक स्ट्रिकिंग और स्ट्रिकिंग और पोर प्लेट। इसके बाद आपके पास कॉलोनीज विजिबल हो जाएगी, कॉलोनीज को आप देखेंगे और चीज़ों को लेके चलेंगे कि भैया ये कॉलोनीज हो गया, हमें ऐसे करना है वैसे करना है और इसके बाद इनको यूज़ कर लेना, तो दिस इज कॉलोनीज। इसके बाद सब कल्चरिंग करते रहिए, उनको यूज़ करते रहिए। जब भी आप ग्रो कराएंगे तो यू हैव टू यूज़ द मीडिया। मीडिया कैन बी लिक्विड, मीडिया जो है आपका लिक्विड भी हो सकता है। मीडिया कैन बी सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है। मीडिया कैन बी सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि जिलेटिन और अगार के बेसिस पे बात करते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ मीडिया होते हैं जो आपके सिंथेटिक मीडिया और नॉन सिंथेटिक हो सकते हैं, जिसके कुछ आपके स्पेसिफिक पाए जाते हैं। जैसे कि पहला एक होता है आपका मिनिमल मीडिया। मिनिमल मीडिया जो होते हैं जिसमें मिनिमम क्वांटिटी होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की, द मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है। इसके बाद होता है एक एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया होता है। उसके बाद एक होता है एनरिचमेंट मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया। उसके बाद आपका डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया। देन आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। सो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज। अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट मीडिया विल बी देयर। अगर आपको दो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट करना है, जैसे कि सीडोमोनास एरिगोनेसा एंड सीडोमोनास प्यूटीडा, अगर इनको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल मीडिया। अगर टू सेलेक्ट अन ऑर्गेनिज्म, अगर किसी को सेलेक्ट करना है तो उसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव मीडिया। अगर एनरिच ऑल द कंटेंट, अगर एनरिच ऑल द मीडियम कंटेंट, अगर ऑल द कंटेंट को करते हैं तो दिस इज एनरिचमेंट। एनरिच्ड ओनली, लाइक यहाँ पे एनरिच कर रहे हो स्पेसिफिक कंटेंट को करोगे तो एनरिच्ड हो जाएगा। स्पेसिफिक कंटेंट आपने यहाँ पे कर लिया, मिनिमम कंटेंट है, दैट शुड बी मिनिमल मीडिया। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। डिफरेंशियल टू डिस्टिंग्विश, रिड्यूसिंग मीडिया,
एसे मीडिया, एन्यूमरेशंस मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया इज देयर जो अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। इस मीडिया में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे डिफरेंशियल मीडिया में ब्लड अगार है, EMB है, मीडिया इज देयर, जब यहाँ पे आप देखेंगे सो दीज आर द केसेस, जैसे लाइक ब्लड अगार मीडिया, मैनिटोल सॉल्ट अगार है, EMB, AOC, मेथाइन ब्लू अगार मीडियम है, यूरिया ब्रॉथ मीडियम इज देयर। आफ्टर दैट दिस आर द सेलेक्टिव मीडिया, सेलेक्टिव में जैसे आपके टोमेटो जूस इज देयर, मैकॉन्की अगार बहुत कॉमनली यूज होता है, इसके साथ साथ आपके मूलर टेलुराइट मीडिया इज देयर। तो कुछ कुछ आपको ध्यान देना है जो आपके पाए जाते हैं। Hey guys, my name is Viren Singh. If you want to crack CSIR, you just connect with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an academy platform. आप CSIR Life Science की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और भी इंडियाज के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर। सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे। तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ। सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो उनमें से आई टीच CSIR लाइफ साइंस एंड मैं CSIR, DBT, GATE ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द CSIR। माई PhD इज रनिंग फ्रॉम IIT BHU। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द BTech एज वेल एज इन द MTech। I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe judh ke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze Plus mein milte hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है। एक बार अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है। आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं Viren और Viren Live टू गेट द डिस्काउंट। सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माई प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से। जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो जुड़िए इस 4th of July से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of July से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को। साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं, तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को। ठीक है, वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है unacademy/Viren Singh के साथ जुड़ सकते हैं, या सिर्फ आप Viren Singh सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।